जैसा कि मैंने बताया कि रोड में देखने होंगे कितने पिरुल गिरे हुए हैं भाई साहब, आराम से चलना पड़ेगा, स्लिप भी हो सकती है गाड़ी, तो आराम से। काफ़ी जंगल भी है क्योंकि अकेले सिंगल जा रहा हूँ, बाघ आग का भी खतरा हो सकता है। डोल आश्रम जाऊंगा करके आज मैं आई गया यहाँ पे, भोलेनाथ की कृपा है गाइस, जय भोलेनाथ। अभी चलते हैं अंदर को मेन गेट से, तो आप बने रहिए थोड़ा सा, मैं आपको यहाँ का प्यारा सा तो दोस्तों देखिए अंदर तो हम आ गए हैं मेन गेट से, थोड़ा सा इससे भी अंदर को जाते हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। इनकी सजावट देखिए काफ़ी अच्छी लगी है, और यहाँ को मैं अभी भोलेनाथ की भी दर्शन कराऊंगा आपको, तो आप बने रहिए। तो देखिए अभी मैं बैग वैग मैंने बाहर रखा था, वो कह रहे थे कि एक बार एंट्री कर लीजिए, क्योंकि बैग की कोई लेके भी जाए तो कोई गारंटी नहीं है। तो अभी मैं बैग लेने के लिए बाहर जा रहा हूँ, फिर बैग वैग लेने के बाद फिर अंदर जाऊँगा। काफ़ी अच्छा है मंदिर देख के आप, कोई फिलहाल नीचे जाऊंगा मैं, नीचे एंट्री करानी पड़ेगी, 30 रुपया चार्ज है यहाँ। फिर लंबा सफ़र है, पिथौरागढ़ से गंगोलियाड़ जाना है, तो भी हम मैं भोलेनाथ के दर्शन कराने के लिए आया था मैं आज यहाँ, तो मैंने भोलेनाथ के भी दर्शन करा दिए। तो आप नीचे को देख रहे होंगे काफ़ी अच्छा है, यहाँ नीचे मंदिर भी है, काफ़ी अच्छे अच्छे आश्रम है, ये देखिए फूल भी खिले हुए हैं, काफ़ी ज़बरदस्त फूल हैं गाइस। तो आप बने रहिए। तो दोस्तों देख रहे होंगे यहाँ पे जब आप एंट्री करोगे अंदर के लिए, गेट से प्रवेश करोगे, तो आपको इतना अच्छा नज़ारा मिलेगा यहाँ के, जो डोल आश्रम है यहाँ पे भोलेनाथ की कृपा, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे देख के। भोलेनाथ के भी दर्शन हो गए यहाँ पे, ये देख के, यहाँ पे ये देख रहे होंगे जब फ्रंट गेट से आप आगे अंदर को आओगे तो यहाँ का काफ़ी अच्छा लुक है, यहाँ सुनहरे अक्षरों से लिखा गया है भाई साहब, और चित्र भी इतने अच्छे बना रखे हैं, मज़ा आ गया यहाँ आने के बाद, ऐसा लग रहा है कि मैं आप तो यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ शिव जी भोलेनाथ हर भगवान की मूर्ति भी है, विष्णु पुराण के भी है, काफ़ी अच्छे अच्छे हैं देखिए आप। ये मेन गेट है, फ्रंट गेट, फ्रंट गेट से जब अंदर को जाते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है देखिए। जाऊँ करके आज आया मैं, लेकिन क्योंकि थोड़ा समय भी नहीं है, क्योंकि ये देखिए यहाँ आने के बाद काफ़ी अच्छा लगा। आहा तो गाइस देखिए डोल आश्रम का मेन गेट है, काफ़ी अच्छा है लुक यहाँ का, और हम आए हैं अभी यहाँ पे, काफ़ी देखिए पार्किंग के लिए भी काफ़ी सुविधा है यहाँ पे लगी हुई है, और यहाँ से देखिए चारों तरफ पेड़ ही पेड़, चारों तरफ पेड़ है देख रहे होंगे आप। ये देखिए शिव जी के, थोड़ा सा शिव जी के भी दर्शन कराऊँगा,
क्योंकि ऊपर जाने का कोई साधन नहीं है। ये देखिए अभी मैं गया था यहाँ पे, काफी अच्छा लगा। साफ यहाँ तो बहुत है, मतलब स्वर्ग भी हो स्वर्ग है। तो यहाँ तो बहुत ही अच्छा लगा भाई साहब। ये देखो डोल आश्रम में मैंने सोचा था कि आ जाऊंगा करके, लेकिन आ ही गया। भोलेनाथ की कृपा है, जय भोलेनाथ की, जय हो भोलेनाथ, जय हो भोलेनाथ, जय हो हर हर शंभु। तो काफी अच्छा लगा भाई, साफ इतना सुंदर नजारा मैंने आज तक कभी नहीं देखा यहाँ आने के बाद भोलेनाथ के दर्शन किए। तो अब हम यहाँ से निकलते हैं, तो आप बने रहिए हमारे साथ। अभी फिलहाल यहाँ से तैयार हो गए हम, अब हम निकलते हैं पिथौरागढ़ को, क्योंकि डोल आश्रम में जो हमने सोचा था हम आ गए यहाँ पे। अगर ब्लॉग बना दिया है, काफी अच्छा लगा, आप लोग भी आइए। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। पहाड़ी मन्नू ब्लॉग के नाम से मेरा चैनल है। ओके।